नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग UPSC के जो ऑडिटर का एग्जामिनेशन होने वाला है, मुख्य परीक्षा, उसका जो एग्जामिनेशन डेट है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण सूचना आई है जो कि जो कैलेंडर है उसके बाद जानेंगे। 2 तारीख को आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है 2 नवम्बर को, उस दिन आपका जनरल हिंदी का पेपर होगा और साथ ही साथ आपका जो GS का पहला पेपर है। उसके बाद आपका 3 तारीख को GS का सेकेंड पेपर है। फिर आपका 4 नवंबर को आपका जो ऑप्शनल पेपर आपने जो ऑप्ट करके रखा है वो आपको होने वाला है सेकेंड सिटिंग में। अब बात करते हैं जो ऑप्शनल पेपर के बारे में। आपने प्रीलिम्स का जब फॉर्म फिलअप कर रहे थे तो आपने जो ऑप्शनल लिया था उसमें अब संशोधन, यानी कि आप अगर चाहें तो ऑप्शनल पेपर चेंज कर सकते हैं। इसके लिए जो गेटवे है आपको खोल दिया जा रहा है, ये आपको 22 सितंबर से खोला जा रहा है। 22 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक 9 दिन के लिए आपको गेटवे वापस से ओपन किया जा रहा है। आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो ऑप्शनल पेपर है उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपका जो पहले से ऑप्शनल पेपर आप तैयारी कर रहे थे उसकी अगर तैयारी नहीं हो पाई तो कोई आपको लगता है कि कोई ऐसा ऑप्शनल पेपर जो कि आप इजी वे में आप कंप्लीट कर सकते हैं विद इन 1-1.5 महीने के अंदर में, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे आपका जो एग्जामिनेशन है 2, 3 और 4 नवंबर को है। 2 को आपका हिंदी पेपर है और GS 1 है, 3 को GS 2 है और 4 तारीख को आपका ऑप्शनल पेपर है। ऑप्शनल पेपर चेंज करने का जो गेटवे है परसों से खुल जा रहा है। थैंक यू।